इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के घर में उनका सफाया कर दिया। जी हां, पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में बुरी तरीके से चौथे दिन ही धूल चाट चुकी है, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान टीम का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। इस बीच भारतीय दिग्गजों ने भी पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। हरभजन सिंह से लेकर वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर से लेकर इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने क्या बोला है, भारतीय दिग्गजों ने किस तरीके से पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाया है, चलिए दिखाते हैं उनके बयानों का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय अपनी सबसे घटिया क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने उन्हें 2-0 से रौंद दिया था, तो अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच में उन्हें ऐसा धोया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का मौका मिला तो शफीक, शान मसूद और आगा सलमान के शतकों की बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो 556 रन ठोक डाले थे। उन्हें लगा था कि अब तो वो जीत जाएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और पलटवार करते हुए जब इंग्लैंड के खूंखार खिलाड़ी मैदान में उतरे तो अपने बल्ले से उन्होंने ऐसा हाहाकार मचाया कि पाकिस्तान गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए मुल्तान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शमशान बना दिया। जी हाँ दोस्तों, जहां जो रूट ने 262 रन ठोक डाले तो हैरी ब्रूक ने भी ब्रेन लारा के रिकॉर्ड को ही चुनौती देते हुए 317 रनों की खौफनाक पारी खेली, जिसके दम पर 150 ओवर में इंग्लिश टीम ने 823 रन बना डाले, वो भी पाकिस्तान के उस पर अटैक के खिलाफ जिस पर उन्हें बहुत गुरूर था। इंग्लिश टीम के पाकिस्तान के गुरूर, मनोबल और उनके इरादे सब कुछ चकनाचूर करते हुए उन्हें उन्हीं के घर में बेइज्जत किया। और अब चौथे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी भी इंग्लैंड की लीड से कम 200 रन पीछे, और उनका बुरी तरीके से हारना तो अब निश्चित ही है, जहां 4 दिन भी पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के सामने नहीं टिक पाई। ऐसे में पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। इसी बीच भारतीय दिग्गजों ने भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व महान स्पिनर टर्मिनेटर के नाम से जाने जाने वाले हरभजन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान वाले हमेशा घमंड में रहते हैं। इन्होंने घमंड में यह बोल दिया था कि हमारी टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी, पाकिस्तान जाएगी, और किस पाकिस्तान से हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, इस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से जो अपने घर पर पहले बांग्लादेश तो अब इंग्लैंड जैसी टीम से इस तरीके से बेइज्जत हो रही है। वहां का क्रिकेट बोर्ड, वहां के खिलाड़ी, वहां के सभी लोग करप्शन में लिप्त हैं। ये पाकिस्तान की टीम क्या भला कोई मुकाबला जीतेगी। दोस्तों, हरभजन सिंह के बाद इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आज पड़ोसी मुल्क में एक भी टीवी बचना नहीं चाहिए, हर टीवी फूट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जो किया उससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। आप पाकिस्तान क्रिकेट को उठाकर देख लो, 2023 वनडे वर्ल्ड कप हो या 2024 T20 वर्ल्ड कप हो, किसी में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। और अब तो अपने घर पर ही पहले बांग्लादेश से वो इतने बुरे तरीके से हारे, और अब इंग्लैंड ने उनके खिलाफ आज 800 रन बना दिए, इसमें शर्मनाक, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इरफान पठान के बाद वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं पाकिस्तान के पूर्व महान खिलाड़ियों से ये पूछना चाहूंगा कि उनका बाबर आजम कहां गया, जो विराट कोहली से भी बेहतर बल्लेबाज था, कहां गए उनके वो गेंदबाज जिनको अपनी रफ्तार पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने आप को जसप्रीत बुमराह और शोएब अख्तर ही समझते थे। केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई भी टीम या कोई भी खिलाड़ी महान नहीं बन जाता। अब पाकिस्तान को एक काम करना चाहिए, अपनी हार पर जश्न मनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम अब जीतने लायक बची नहीं है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग के बाद अब खुद सुनील गावस्कर सर ने कहा, किसी भी देश का क्रिकेट कैसे आगे बढ़ता है जब उसके खिलाड़ी अपने देश के लिए जी जान लगाकर खेले। उनके खिलाड़ियों के अंदर अपने देश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी एक दूसरे के दुश्मन है, वो सभी अपने लिए खेलते हैं, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना उनका फेवरेटिज्म है, और उनका क्रिकेट बोर्ड है, और उनका करप्शन है। कभी कभी दुख होता है कि पाकिस्तान क्या क्रिकेट खेला करती थी, पर अब वो दुनिया की सबसे घटिया टीमों में से एक हो चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन भारतीय दिग्गजों ने पाकिस्तान को कर खरी खोटी सुनाई। लेकिन अब आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले को हारकर सीरीज से हाथ धोने के बाद बांग्लादेश की टीम के कप्तान नजमुल शंतू ने हार्दिक पांड्या से लेकर रिंकू सिंह और सूर्य की कप्तानी पर ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए कि सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। केवल दूसरे मैच को ही नहीं बल्कि सीरीज को भी हारने के बाद बांग्लादेशी कप्तान शंतू ने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले इस पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतर फिनिशर कौन है आज की तारीख में भारत देश के लिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 सीरीज जीतना कोई भारतीय क्रिकेट टीम से सीखे। सूर्या ने श्रीलंका के खिलाफ भी जीत हासिल करी थी और इस बार भी 2-0 से जीत हासिल कर बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से धूल चटाई है। ग्वालियर से जीतने के बाद दोस्तों, दूसरे मुकाबले के लिए जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची तो सिक्का अपने पक्ष में भले ही न उछला हो, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे पक्ष में ही था।
बांग्लादेश के कप्तान दोस्त नजमुल शांतो ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, सोचा कि एक छोटे टोटल पर भारत को रोक देंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा करने में कामयाबी हासिल की भी। भारतीय क्रिकेट टीम का टॉप ऑर्डर सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव 10, 15 और 8 रन पर निपट गए थे। आलम यह था कि 5 ओवर में 50 रन भी नहीं थे और 3 विकेट थे। लेकिन नीतीश रेड्डी एसआरएच की टीम का वो खूंखार बल्लेबाज जिसने पूरे आईपीएल में अपने नाम का डंका बजवाया, उसने 34 गेंदों में 7 छक्के 4 चौके लगाकर 74 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने भी 29 गेंदों में 3 छक्के 5 चौके लगाकर 53 रन बना डाले थे। और हार्दिक पांड्या का तो क्या ही कहना, 19 गेंदों में 32 रन बनाए। ये तीन तूफानी पारियां भारत को 221 तक ले गई और हमने बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार टी20 में 200 से ज्यादा का टारगेट बनाया। 222 का टारगेट था दोस्तों। अब इसे चेज करना तो दूर की बात, छोड़िए हमारे गेंदबाजों ने धोबी पछाड़ कर मारा है आज इन बांग्लादेशियों को। सबसे पहले दोस्तों परवेज हुसैन इमोन को अर्शदीप सिंह ने आउट किया। ये पारी के तीसरे ओवर की बात थी जब उन्होंने उनको क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद शांतो जो कि टीम के कप्तान हैं, इससे पहले कि वो कुछ हरकत भी कर पाते, 200 शांतो को पांड्या निकाल गए 11 रन पर। इसके बाद 16, 17, 11 रन की कुछ पारियां आई जिससे कि 10 ओवर में टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा, लेकिन 5 विकेट हो चुके थे और अल्टीमेटली बांग्लादेश ने इस मैच को फिर बड़े मार्जिन से लूज किया। दोस्तों भारत तो जीत गया लेकिन बांग्लादेश हार गया। उसके बाद शांतो ने चौंकाने वाला बयान दिया है और अपने बयान में कहा, ये एक ऐसी हार है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। भारत के खिलाफ हम टी20 सीरीज में कमबैक करेंगे और टेस्ट का बदला लेंगे, यही दिल में चल रहा था। टीम भी तैयार थी लेकिन न जाने आज अरुण जेटली की पिच में क्या जादू कर रखा था इन भारतीयों ने कि क्यूरेटर ने लगता है कि पिच इनकी मनपसंद की बना दी। तभी तो हमें अर्ली विकेट्स मिलने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, रन पर रन पड़े और इतना बड़ा टोटल बन गया कि हम चेज करते वक्त घबरा गए। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीयों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिच से छेड़छाड़ हुई तो है। हालांकि मैं तारीफ करना चाहूंगा भारतीयों की, उन्होंने जी जान कर मैच जीता है, लेकिन पिच से मुझे अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और मैं ऐसी से दरख्वास्त करता हूं कि वो आकर मैदान का चेकअप करें और मैच को दोबारा कराएं। दोस्तों लगता है कि शांतो हार के बाद बौखला गए हैं, उनकी टीम हार गई है। हालांकि वो भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे थे लेकिन पिच पर सवाल बेतुके थे। वैसे आप सभी को क्या लगता है, भारतीय क्रिकेट टीम का असल टी20 कप्तान कौन है, सूर्या या पांड्या? नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर। और सब दोस्तों दूसरे टी20 मैच में केवल 41 रनों पर बिखर चुकी थी टीम इंडिया, गिर चुके थे 3 विकेट, लेकिन फिर रिंकू हार्दिक और नीतीश ने मिलकर मैदान पर मचाया ऐसा तांडव जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया हैरान और बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे रिंकू हार्दिक के साथ साथ और बल्लेबाजों के तूफान में उड़ा बांग्लादेश, कैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया नया कीर्तिमान। दूसरे टी20 मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट के बाद अब टी20 में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहला टी20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब सीरीज का अगला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां बांग्लादेश पहले टी20 मैच में हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी तो वहीं भारतीय टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेगी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो के पक्ष में गिरा और उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी 2 खूंखार बल्लेबाज मैदान पर उतरे, एक तरफ से विकेटकीपर संजू सैमसन तो दूसरी तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मेहंदी हसन मिराज भारतीय ओपनर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और मेहंदी की दूसरी गेंद को संजू ने बाउंड्री पर चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ अपना और टीम का खाता खोला। संजू इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए, तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया को पहले ही ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरा ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका केवल 17 रनों के स्कोर पर लग गया। संजू सैमसन टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए तंजीब हसन शाकिब शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी उनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अभिषेक उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए, तंजीम की चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। अभिषेक शर्मा कुछ अलग इरादे से मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे थे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा तंजीम के ओवर की अंतिम गेंद पर एक बड़ी गलती कर बैठे और शॉट लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए।